हर एक मंजिल में कुछ ना कुछ कहानी छुपा रहता है और मैं हमेशा की तरह उस कहानी को सुनने के लिए भाग के चला जाता हूँ। हाँ, मुश्किल बहुत होता है उस कहानी को ढूंढ निकालने के लिए, लेकिन जब मिल जाता है उसका सुकून ही कुछ अलग है। हमेशा की तरह आज भी निकल पड़ा हूँ और एक नई कहानी सुनने के लिए, और आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरा हर सफर में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। एक बात और कहना चाहता हूँ आप लोगों से, अगर मेरा सफर अच्छा लगे तो चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइज, अभी हम लोग आ चुके हैं राणागढ़ में। तो अभी यहाँ से गाड़ी हम लोग पार्किंग करके हम लोग जा रहे हैं नोतुन ग्राम। नोतुन ग्राम उस जगह पे, ये है राणागढ़ का क्रॉसिंग। आज से तो लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन इतना दिन चल रहा था, ट्रेन नहीं चल रहा था, लेकिन आज कितना तारीख है? आज 11 देखना होगा। 11 आज 11 तारीख है कोलकाता में। अभी आज से ट्रेन चालू हो गया, लोकल ट्रेन जो है, थोड़ा बहुत किया है, मतलब रैंडमली चालू नहीं किया। तो ये देखिए, ये है रेल गेट राणागढ़ का, बहुत ट्रैफिक है। लेकिन जो गवर्नमेंट है डिसीजन लिया है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके उसके बाद ही ट्रेन में चढ़ा जाएगा। पता नहीं कितना लोग इसको मेंटेन करेगा। हाँ, वो तो लोगों पे डिपेंड करता है क्योंकि हम लोग तो पता ही कैसे करते हैं, तो रूल जो बनाते हैं उसको वो कभी फॉलो नहीं करते हैं हम लोग। तो ये नुकसान हम लोग, यही है राणागढ़ स्टेशन। हम लोग जा रहे हैं नोतुन ग्राम उस साइड जा रहे हैं। तो कितना डिस्टेंस है यहाँ से राणागढ़ स्टेशन से? अगर टोटो पकड़ लो तो 20-25 मिनट लग जाता है। गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ नोतुन गांव पे। तो जिसके साथ मिलने के लिए इतना दूर का सफर तय करके आए थे, दिस इज रतन कर्मी। ही लिव इन अ टाइनी विलेज ऑफ वेस्ट बंगाल राणाघाट। लास्ट 22 ईयर से रतन जी ने अपना जीवन के साथ सर्वाइव कर रहा है, एक हाथ और एक पैर लेके। लेकिन उसने कभी अपना जिंदगी में हार नहीं माना। नमस्कार, अमार नाम रतन कर्मी, राणाघाट नतून ग्रामे बाड़ी। আমি 22 বছর ধরে রিক্সো এখনো চালিয়ে যাচ্ছি। একটা পা নেই আমার, বাঁ হাতটা আমার ছোটবেলায় ক্রিকেট খেলতে গিয়ে ভেঙে যায়। এখনো মনে দুর্বলতা নেই আমার, মনের সাহস নিয়ে আমার 50 বছর বয়স চলছে, এখনো এই রিক্সো চালিয়ে যাচ্ছি, সাহস আমার এখনো আছে। এবং আমার মনের একটা ইচ্ছা, আমি যতকাল বেঁচে থাকব ততকাল আমি খেটে খাবো। আমি হামলোক যা রে সৌরভ নে ডিসিশন লিয়াই কি उनको कुछ सामान खरीद के दिया जाए, कि उसको कुछ काम आए, उसको ज़रूरत का सामान। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं सौरभ क्या उनको गिफ्ट करते हैं। तो ऐसा सामान सौरभ गिफ्ट करना चाहते हैं कि चाहे उनको भविष्य में काम आए, वो उसको लेके काम कर सकते हैं, मतलब अपना जो ज़िंदगी है गुजारा कर सकते हैं। तो चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। तो सौरभ ने आया है अभी साइकिल का दुकान में, और उनका इच्छा है कि उनको एक साइकिल गिफ्ट किया जाए। तो अभी हम लोग आए हैं साइकिल का गोडाउन में, अभी ऊपर जा रहे हैं। उनको कौन सा साइकिल पसंद आता है देखते हैं। तो आपने उसको बोला है कि आपका जो साइकिल पसंद आता है आप वही ले सकते हो। तो ये है साइकिल का गोडाउन है पूरा, हाफ चेन कवर, फुल चेन कवर नहीं होगा, फुल चेन कवर टाइम नहीं होगा। क्या बोल रही, रास्ता घाटे हाफ चेन कवर हटो करे, चेन फेन पड़े गए तो असुविधा, हाफ चेन कवर, फुल चेन कवर असुविधा। ठीक है, चेन कवर चेंज कर नया जाए, और हाफ चेन कवर ऐसे नहीं, কেমন কেমন লাগছে তোমার এবার? খুব ভালো লাগছে। কতটা খুশি?
অনেক খুশি, যা নিজেও কল্পনা করতে পারছি না, ভাবতে পারছি আজ এত খুশি। আমি এই এই যে সাইকেলটা আমরা পেয়েছি, সৌরভ দা দিয়েছে আমাকে, সৌরভ সরকার, আমি ওনাকে যে আমি কী দিয়ে ধন্যবাদ জানাবো আমি নিজেই ভাবতে পারছি না। এবং জীবনে বিশাল উপকার করেছে সৌরভ সরকার, সৌরভ দা খুব ভালো লেগেছে। এবার আমি আমার জীবনটা নতুন করে ফিরে পেলাম। আমি মাছের ব্যবসা করব, হ্যাঁ, ঘুরে ঘুরে ফেরি করে এই সাইকেলে, এবং এটাই দেয়, এবং এই সাইকেল যতদিন আছে আমু ততদিন। আমরা তো যখন রাস্তায় চলাফেরা করি এরকম অনেক মানুষের সাথে আমাদের পরিচয় হয়, যারা খেটে খাচ্ছে, কষ্ট করে খাচ্ছে। রাস্তায় দেখি অনেক বয়স্ক লোক পাঁপড় বিক্রি করছে, কেউ ধূপকাঠি বিক্রি করছে, বাসে অন্ধ লোক সে ধূপকাঠি বিক্রি করছে, লজেন্স বিক্রি করছে। তা তাদের পাশে দাঁড়ানো, আই থিঙ্ক পাশে দাঁড়ানো উচিত আমাদের, কারণ তারা জীবনে হার মানেনি, তারা জানে যে কী করে চলতে হয়, কী করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। মানে সামর্থ্য না থাকলেও তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, সেই চেষ্টার পাশে আমাদের দাঁড়ানো উচিত। একটা শেষ কথা হচ্ছে যে আমি যেমন সবার সাহায্য নিয়ে আজকে ওনাকে সাহায্য করতে এসেছি, যেটুকুনি পারবো, যেটুকুনি ক্ষমতা, আপনারাও এরকম মানুষদের পাশে সাহায্য করুন, মানুষদের পাশে দাঁড়ান, তাদের আরও মনে সাহস যোগান, এটাই বলতে চাই, আপনারাও সাহায্য করুন। আমার মতন যে সমস্ত প্রতিবন্ধী ভাইরা বা ভাই বোনেরা আছেন, তারা আমার মতো সাহস করে চলাফেরা করুন, আমার মতো কাজকর্ম করে খান, এটাই ঠাকুরের কাছে আশীর্বাদ করি। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।